अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में करते परवान सिख गुरुद्वारे पर हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने 100 से ज्यादा सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को ई इमरजेंसी वीजा जारी करने का फैसला किया है। ये ई वीजा अफगानिस्तान में रह रहे उन सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को भारत आने में मदद करेगा जो आतंकी हमलों के चलते लगातार खतरा महसूस कर रहे हैं। काबिले जिक्र है कि अभी हाल ही में काबुल के गुरुद्वारा करते परवान पर आतंकवादियों ने हमला किया था। गुरुद्वारे पर हुए इस हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की थी। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे वैश्विक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस का हाथ है। ये संगठन जानबूझकर अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहा है। साल 2020 में अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों को मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 700 लोग थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को उस वक्त अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा जब वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए उन लोगों के लिए ई इमरजेंसी वीजा जारी करने का फैसला किया था जो अफगानिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में शरण लेना चाहते थे। इसके तहत भारत सरकार ने दिसंबर 2021 तक लगभग 200 अफगान नागरिकों को वीजा दिया। एक अनुमान के मुताबिक अभी अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लगभग 150 लोग रह रहे हैं जो गंभीर खतरे में हैं। इनको सुरक्षित निकालने की दिशा में भारत सरकार ने जो पहल की है उसने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया है।